नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम अर्नाज गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्कशीट नंबर 59 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। दिस वर्कशीट इज फॉर 31st December 2021। दैट मीन्स दिस इज द लास्ट वर्कशीट ऑफ 2021। टुडे आवर टॉपिक इज कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 2, दैट मीन्स वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज। We have given two identities. Let's verify. In verification, we have to verify LHS is equal to RHS. LHS और RHS यदि बराबर हो तभी identities जो होता है verify होता है। तो आइए हम RHS लेकर के चले और LHS प्रूफ करें। तो सबसे पहला दिया हुआ है, तो उसमें RHS क्या दिया हुआ देखते हैं। X plus Y into एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है ये दिया हुआ है RHS है, ठीक है, ये RHS है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए x को इससे करें तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू, और x को इससे करेंगे तो माइनस है तो x और स्क्वायर और y, क्योंकि x को x से करेंगे तो x स्क्वायर और y, और फिर x को y स्क्वायर से करें तो ये हो जाएगा x y स्क्वायर। अब y को x स्क्वायर से करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y, और प्लस में है, और y को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x y स्क्वायर, और फिर y को y से करेंगे y स्क्वायर से करेंगे तो y क्यू। तो अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा x क्यू प्लस y क्यू। तो यही तो LHS है, तो वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड। तो पहला वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार दिया हुआ है ये दूसरी आइडेंटिटीज एक्स। तो आर यहाँ पे RHS देखते हैं क्या है, यहाँ पे RHS देखें क्या है, RHS बराबर में क्या है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू, और x को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर x को प्लस को इसको करेंगे इस वाई स्क्वायर से तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब x को अब माइनस y को एक्स स्क्वायर से करें तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस y को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस y को वाई स्क्वायर से करेंगे तो माइनस वाई क्यू। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई प्लस में और यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में ये एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ माइनस में, तो ये आपका बचेगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। तो यानी ये LHS हो गया, तो ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। तो इस प्रकार हम देखें एक बार नज़र मारे ध्यान से, तो ये देखिए यहाँ पे यदि प्लस हो तो ये सारे ये भी ये तो प्लस में ही रहेगा, सिर्फ एक्स वाई वाला टर्म माइनस में हो जाता है, यानी अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ माइनस ही रहेगा, ये वाला टर्म इसका अपोजिट हो जाएगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा। तो आइए अब इसी पे आपको कुछ सवाल दिए गए हैं, या यहाँ पे फैक्टराइज करना है जैसे, तो आप देखें फैक्टराइज कैसे किया जाता है। अब देखें ये दिया हुआ है आपको, तो एक्स क्यू प्लस टू ट्वेंटी वाई ट्वेंटी सेवन वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू, और ये किसका क्यू है, ये है इसको लिखे थ्री वाई का क्यू, तो बराबर में क्या होगा ये प्लस में हो जाएगा एक्स प्लस थ्री वाई और इनटू इसका स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा थ्री वाई और एक्स, तो एक्स इंटू थ्री वाई, और प्लस में
थ्री वाई का होल स्क्वायर। अब सही कर लें, एक्स प्लस थ्री वाई और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई, थ्री एक्स वाई प्लस नाइन वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एक्स क्यू माइनस ट्वेंटी सेवन वाई क्यू, तो यहाँ पे आपका हो गया एक्स क्यू और माइनस ये थ्री वाई का क्यू। तो हमारे पास जो आइडेंटिटीज है तो उसमें एक्स माइनस थ्री वाई हो जाएगा और इनटू में एक्स स्क्वायर और ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, इसका अपोजिट प्लस वाला बीच वाला होता है, यानी थ्री बस अभी एक्स इंटू थ्री वाई और प्लस थ्री वाई का होल स्क्वायर। तो इसको सही करें, एक्स माइनस थ्री वाई और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री एक्स वाई प्लस नाइन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आइए हमेशा की तरह आपको सवाल दिए जाते करने के लिए ट्राई इट योरसेल्फ के तहत, तो आइए सवाल को हल करें। सबसे पहले दिया हुआ है इसका माइनस एट एक्स क्यू माइनस ट्वेंटी सेवन वाई स्क्वायर, तो इसका फैक्टराइज करना है। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये बराबर में टू एक्स माइनस थ्री वाई का होल क्यूब हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री वाई और इनटू टू ये हो जाएगा टू एक्स का होल स्क्वायर, टू एक्स का होल स्क्वायर करें और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, टू एक्स इंटू थ्री वाई प्लस थ्री वाई का होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री वाई और इंटू टू का क्या हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टू जा सिक्स एक्स वाई प्लस नाइन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकेंड है हमारे पास एक्स क्यू प्लस सिक्सटी फोर वाई क्यू, तो ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा एक्स एक्स का क्यू और प्लस ये फोर फोर जा सिक्सटी फोर फोर जा सिक्सटीन फोर जा एट्टी फोर होता है, तो ये सिक्सटी फोर होता है, तो ये हो जाएगा इसका क्यू। तो इसका मतलब एक्स प्लस फोर फोर वाई और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये एक्स इंटू फोर वाई प्लस फोर वाई का होल स्क्वायर, फोर वाई का होल स्क्वायर। तो इसको सही से करें, एक्स प्लस फोर वाई और इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस फोर एक्स वाई और प्लस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन वाई स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है वन ट्वेंटी फाइव ए क्यू, तो ये हो जाएगा फाइव ए का क्यू माइनस बी का क्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फाइव ए माइनस बी, साथ ही इंटू में ये फाइव ए स्क्वायर का फाइव ए का होल स्क्वायर और माइनस है तो प्लस में फाइव ए और बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सही कर लें, फाइव ए ए माइनस बी इंटू इंटू फाइव का ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर
और प्लस 5ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट है आपके पास ये बी क्यू यानी बी का क्यू प्लस ये 3y का होल क्यू, तो ये हो जाएगा बी प्लस 3y इंटू बी स्क्वायर, और सारे ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, बी इंटू 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब इसको सही कर लें तो बी प्लस 3y और इंटू बी स्क्वायर माइनस 3by प्लस 9y स्क्वायर। ये था वर्कशीट, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। और ये आगामी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आई होप आपका जो अगला साल होगा अच्छा खुशहाल स्वस्थ और खुशहाल होगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आप अच्छी तरह तैयारी करें, अच्छे मार्क्स से पास हों। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू।